अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कुलियन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट, पहले तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जो कुलियन है ये इलास्टिक कुलियन होगा या इन इलास्टिक। तो स्टूडेंट, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कुलियन इन वन डायमेंशन, ये किस में होगा? इलास्टिक कुलियन। तो स्टूडेंट, पहले तो हमारे जहन में यह आता है कि इलास्टिक कुलियन है क्या। तो मैंने पिछले टॉपिक में ये पढ़ाया था कि इलास्टिक कुलियन जो है वो क्या होता है, ऐसा कुलियन होता है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो स्टूडेंट, इसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको ये लगता है कि टॉपिक लेंथी और बड़ा मुश्किल है। तो स्टूडेंट, जस्ट आपको 5 चीजें जहन में रखने की जरूरत है। पहले तो हम डेफिनेशन को लेकर चलें, तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कंजर्व। तीसरा, आपने काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे उसके फार्मूला, उसको मोमेंटम की इक्वेशन पर क्या कर देंगे? डिवाइड। चौथा, हम वेलोसिटी इक्वेशन फाइंड करेंगे। पांचवा, इन्हीं से हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटीज को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं कि किस किस तरह हमने ये कैलकुलेट करनी है, और बिल्कुल ही ये क्या है, इजी टॉपिक। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं कि क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि ऐसा मोमेंटम जिसमें मोमेंटम बिफोर कुलियन इक्वल हो किसके? मोमेंटम आफ्टर कुलियन के। तो स्टूडेंट, दो बॉल्स हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v1 v2, और इनके मैसेज क्या है? m1 एंड m2। थोड़े वक्त के बाद दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? टकरा जाती है। स्टूडेंट, टकराने के बाद इनके मैसेज तो सेम रहते हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। वेलोसिटीज v1 प्राइम और v2 प्राइम। मैसेज क्या है? m1 m2, और वेलोसिटीज क्या है? v1 v2। अब यहां पर वेलोसिटीज क्या है? v1 प्राइम और v2 प्राइम। स्टूडेंट, अब इधर हम लेकर चलें तो ये देखें, m1 v1 किसका मोमेंटम है? इसका। इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 v2। इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्राइम। इसका क्या होगा? m2 v2 प्राइम। ये कैसे? क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन ही यही है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, इसका मोमेंटम m1 v1 प्राइम। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। इसका m2 v2 प्राइम। तो स्टूडेंट, अगला काम आप लोगों ने क्या करना है, m1 वाली चीजों को दूसरी तरफ मुंतकिल, m2 वाली को इस तरफ मुंतकिल। तो देखें, m1 v1 ये आ गया वैसे का वैसे, ये वाली चीज यहां पर आ गई, ये वाली चीज, और ये वाली चीज इधर चली गई। तो स्टूडेंट, इसकी अलामत भी प्लस है, इसकी भी प्लस, दोनों तरफ जाकर इनकी अलामतें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अब इसमें से m1 कॉमन ले लिया, v1, इधर से क्या आ जाएगा? v1 प्राइम। अब यहां से m2 कॉमन लिया, v2 प्राइम माइनस v2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देकर वैसे का वैसे छोड़ देना आपने। अब आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कुलियन के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? सेम, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट, ये देखें, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 v1 का स्क्वायर। इसकी क्या होगी? हाफ m2 v2 का स्क्वायर इक्वल हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। फिर वही काम करना स्टूडेंट, m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ। स्टूडेंट, अगर गौर से देखें तो ये हाफ m1 और ये हाफ m1, ये कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, तो यहां बचा v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। इधर अगर गौर करें तो हाफ m2, इधर भी हाफ m2, ये दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये दोनों हाफ ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तब आपके पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट? m1 into v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। और स्टूडेंट, अगर आप आ जाएं फार्मूले पर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b into a माइनस b। तो यही फार्मूला, v1 प्लस v1 प्राइम इंटू
वी वन माइनस वी वन प्राइम, यानी एक मरतबा प्लस में लिख दिया और एक मरतबा माइनस में। अब इधर आ जाए एम टू वैसे का वैसे वी टू प्राइम का स्केयर माइनस वी टू का स्केयर, तो स्टूडेंट इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, यानी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट इसमें भी एक मरतबा प्लस में लिखा एक मरतबा माइनस में, और इसको किसका नाम दे देना है इक्वेशन नंबर थ्री का। अब क्या करना है स्टूडेंट, इस इक्वेशन नंबर थ्री को इस इक्वेशन नंबर टू पर क्या करना है आपने डिवाइड। देखें इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी ये, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके नीचे आ गई, फिर इक्वल डाला स्टूडेंट, फिर इसकी हमने राइट हैंड साइड लिखी ये राइट हैंड साइड, फिर इसकी राइट हैंड साइड पर हमने क्या कर दिया डिवाइड। स्टूडेंट अगर आप गौर करें एम वन से एम वन कैंसल, एम टू से एम टू कैंसल, ये वी वन वी वन माइनस वी वन प्राइम ये इससे कैंसल, ये वाली चीज इससे कैंसल, तो स्टूडेंट बाकी रहा वी वन प्लस वी वन प्राइम इज इक्वल टू वी टू प्राइम प्लस वी टू। अब स्टूडेंट अगर गौर करें ये वाली चीज प्लस हो रही है उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, ये आपकी क्या बन गई वेलोसिटीज इक्वेशन, ये टोटल जो है आपकी क्या बन गई वेलोसिटी इक्वेशन। यानी स्टूडेंट मैंने जो आपको पांच चीजें बताई थी उसमें से अगर आप गिने तो पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा स्टेप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तीसरा क्या आपने इनको एनर्जी को क्या करना है मोमेंटम पर डिवाइड, वो कर दिया हमने। चौथा मैंने क्या कहा था आपको क्या बनानी है वेलोसिटीज इक्वेशन, वो भी बन गई। तो स्टूडेंट अगर गौर करें ये हमारी वी वन प्राइम की हो गई, ये अब किसकी होगी वी टू प्राइम की, तो स्टूडेंट ये वी टू प्राइम वैसे का वैसे ये प्लस वी टू है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये वी वन माइनस हो रहा था उधर जाकर क्या हो जाएगा दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट अब अगर गौर करें तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वी वन प्राइम ये वाली चीज, तो स्टूडेंट वी वन प्राइम हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो इस इक्वेशन को लेना है आप लोगों ने, यानी एम वन वी वन माइनस एम वन वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू। इसमें हमने ये वाली जो वैल्यू थी ये वाली स्टूडेंट इस इक्वेशन में जहां पर आपको क्या नजर आया वी टू प्राइम उस जगह हमने ये वाली वैल्यू क्या कर देनी है पुट, ये देखिए ये वी टू प्राइम है स्टूडेंट, तो यहां पर हमने वैल्यू ये वाली क्या कर देनी है पुट कर देनी है, यानी एम वन वी वन माइनस एम वन वी वन प्राइम वैसे का वैसे इज इक्वल टू एम टू वी टू प्राइम की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट वी वन प्लस वी वन प्राइम माइनस वी टू, ये वैल्यू लिखी माइनस एम टू वी टू। अब स्टूडेंट एम वन वी वन माइनस की जगह माइनस एम वन वी वन प्राइम इज इक्वल टू ये एम टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये एम टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये एम टू इसके साथ भी, तो स्टूडेंट ये सारी इक्वेशन यानी एम टू वी वन प्लस एम टू वी वन प्राइम माइनस एम टू वी टू माइनस एम टू वी टू। अगर स्टूडेंट अगर गौर करें हम तो ये क्या हुआ ये देखें ये वाली चीज क्या की हमने कि एम टू वी वन प्राइम ये वैसे का वैसे, और ये वाली चीज जो माइनस हो रही थी ये उधर जाकर क्या हो जाएगी दूसरी तरफ जाकर प्लस, ये वाली चीज बन गई, और बाकी चीजें सारी इधर ले आए, ये देखे एम वन वी वन ये वाली चीज क्या हो रही थी प्लस, ये इधर आकर क्या हो जाएगी स्टूडेंट दूसरी तरफ आकर माइनस, और ये माइनस और ये माइनस टू हो गए टू एम टू वी टू, तो स्टूडेंट ये माइनस है तो दूसरी तरफ आकर ये क्या हो जाएगा प्लस, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट अगर गौर करें स्टूडेंट तो इसमें वी वन प्राइम क्या है कॉमन, तो वी वन प्राइम हमने क्या ले लिया कॉमन एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू, स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये वी वन और ये वी वन दोनों में कॉमन है एम वन माइनस एम टू इंटू वी वन प्लस टू एम टू वी टू, ये वैसे का वैसे। स्टूडेंट अब वी वन प्राइम हमने मालूम करना था तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, यानी इस पर भी यानी इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन प्लस
2m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v2। स्टूडेंट अगर गौर करें आप लोग, तो हमने क्या किया, जस्ट एक काम किया कि इस इक्वेशन में यानी ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने v2 प्राइम की वैल्यू क्या कर दी, हमने पुट की, तो हमारे पास ये हल करने पर वैल्यू निकल आई जस्ट, यानी एक चीज एक तरफ चीजें करने से, यानी कौन सी चीजें एक तरफ करनी है, तो आप ये देखें क्या v1 प्राइम वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेनी है, और उनमें से कॉमन लेकर जो मल्टीप्लाई हो रही होगी चीज वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। और स्टूडेंट एक और बार इसके बाद, ये तो v1 प्राइम, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, v2 प्राइम। तो स्टूडेंट इस वाली क्वेश्चन में v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, इसमें आपने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, v1 प्राइम की वैल्यू, यानी इस जगह वैल्यू पुट करनी है, और आपके पास ये निकलेगा v2 प्राइम is equal to 2m1 over m1 plus m2 into v1। इसके बाद स्टूडेंट प्लस क्या आएगा, m2 minus m1 m2 minus m1 over, इधर भी over क्या होगा, m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, v2। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये देखिए, ये v1 प्राइम की जगह क्या आ गया, v2 प्राइम, ये वाली चीज पहले आ गई है 2m2, लेकिन m2 की जगह क्या है, m1, v2 की जगह क्या है, v1, फिर प्लस इनकी जगह चेंज हो गई, m1 माइनस m2, यानी यहां पर क्या आ गया, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v2। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो हमारे लिए टॉपिक क्या है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। तो मैं आपको फिर दोबारा ये बता देता हूं कि आप लोगों ने करना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने दो इक्वेशन बना लेनी है, फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इधर से एक इक्वेशन निकाल लेनी है, यानी क्या करना है, m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, m1 कॉमन ले लेना है, m2 कॉमन ले लेना है, इधर भी यही काम करना है, हाफ m1 कॉमन ले लेना है, दूसरी तरफ हाफ m2 कॉमन लेना है, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल, फिर स्टूडेंट इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 पर क्या कर देना है, डिवाइड, फिर क्या बन जानी है, वेलोसिटीज इक्वेशन, क्या बननी है, वेलोसिटीज इक्वेशन। तो वेलोसिटीज इक्वेशन दो बनाकर स्टूडेंट पहले हमने क्या फाइंड करना है, v1 प्राइम, तो v1 प्राइम जो मालूम करना है, तो इस v2 प्राइम की जगह ये जो v2 प्राइम की वैल्यू, ये पुट कर देनी है, जब ये पुट करेंगे स्टूडेंट तो हमने एक काम करना है के m1, ठीक है, यानी क्या, कौन से, सॉरी v1 प्राइम वाली वैल्यूज, कौन सी, v1 प्राइम वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेनी है, बाकी चीजें एक तरफ, क्यों, क्योंकि v1 प्राइम हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या करना है, v1 प्राइम की वैल्यू जब निकल आएगी तो हमने v2 प्राइम की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड, और जब v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टूडेंट v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, तो इसकी जगह v1 प्राइम जो हमने वैल्यू फाइंड की है उसकी जगह ये जो वैल्यू निकाली ये हम पुट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू निकल आएगी 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v2। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट।